अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। आजकल ट्विटर, सोशल मीडिया हर जगह पर एक प्रकार का साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग। तो जब हम कहते हैं कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, बट व्हेन पीपल आर वेरी हार्श इन देयर टोन, तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी लगता है मैं बात नहीं सुनूं। सो देन सोशल मीडिया डेकोरम एंड हाउ टू एनफोर्स दैट। देखो, जो आप सोशल मीडिया यूज करते हैं ये रिफ्लेक्ट करता है आप कौन है, आपकी स्कूलिंग कैसी थी, आपकी पढ़ाई सभ्यता कैसी थी। सोशल मीडिया जब आप यूज करते हैं तो यू आर रिफ्लेक्टिंग आप कौन है, आप कैसे हैं, आपका स्कूल कैसा था, आपके टीचर्स कैसे थे, आपके मम्मी डैडी कैसे थे, आपके बहन भाई परिवार कैसे थे, आपके संस्कार कैसे थे। और अगर इनों में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो फिर वो सोशल मीडिया में रिफ्लेक्ट करता है। सो सोशल मीडिया एक आपका मिरर है, आपकी लैंग्वेज है, आपका रिफ्लेक्शन है। सो सोशल मीडिया इज आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है, और सोशल मीडिया की चॉइस भी आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। मेरे पास आज चॉइसेस ही चॉइसेस है सोशल मीडिया में। मैं पोर्नो भी देख सकती हूँ और भक्ति भी देख सकती हूँ। और आप देखो, कई पोर्नो देखेंगे, पोर्नो ही देखेंगे, और कई भक्ति ही देखेंगे और ज्ञान सीखेंगे। तो ये सारा रिफ्लेक्ट करता है आपके अंदर क्या हो रहा है। अगर आपके अंदर भूसा भरा है, गार्बेज भरा है, गंदगी भरी है और क्रूरता भरी है, वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो आपका बटन उधर जाएगा और लैंग्वेज भी आप वो यूज करेंगे। लेकिन अगर आपकी आपके सारी पर्सनैलिटी में शिक्षा भरी है, संस्कार भरे हैं, सभ्यता भरी है, तो आपका बटन गलत जाएगा ही नहीं। तो आप, तो ये सोशल मीडिया इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ आप कौन है, आप कौन है। सो ऐसी सभ्यता देखो, और सोशल मीडिया डेमोक्रेटिक है। तो आप, अगर आपने गलत लैंग्वेज यूज की तो ट्विटर एंड फेसबुक कैन सस्पेंड यू, एंड अब वो सस्पेंड करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसलिए याद रखना, जो आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं ये आपका चरित्र निर्माण कर चरित्र दिखाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं।